Good morning, student. My name is Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter number 19, that is, Lifestyle of Northern Plains. Please open page number 71 of your SST test book. Got it, student? Very good. Now, let's start the chapter. The Northern Plains are located at the south of Himalayas. They extend from Punjab in the west to Assam in the east. The plains are 2400 km long and 150 to 300 km wide. They cover the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and parts of Assam. <coughs> नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है बच्चे यार लोकेटेड अड ये साउथ ये साउथ हिमालय से पे लोकेटेड है एंड दे एक्सटेंडेड ये कहाँ से कहाँ तक है वेस्ट पंजाब फ्रॉम द वेस्ट एंड टू ईस्ट टू आसाम मतलब वेस्ट पंजाब के वेस्ट साइड से लेकर आसाम ईस्ट साइड तक और ये टू थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर और वन फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर वाइड है और ये जिनके नाम मैंने स्टेट्स के लिए ये इतने स्टेट को कवर करता है नाउ द वैली ऑफ असम इज वेरी फर्टाइल एज द रिवर ब्रह्मपुत्र द रीजन अब क्या है बच्चे असम जो है बहुत फर्टाइल है वाई बिकॉज ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहीं से हो गुजर रही है क्रॉप्स लाइक जूट पोटैटो एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर अब जो क्रॉप्स हैं जैसे कि जूट पोटैटो शुगर केन जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ़ इट्स फर्टिलिटी इट इज़ अ फेमस टी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड टी इज़ ग्रोन हेयर इन प्लान और ये टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में उगाई जाती है एग्रीकल्चर वीविंग सेरिकल्चर एंड वर्क आदि मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के ये सारे मेन ऑक्यूपेशन हैं ऑफ़ द पीपल ऑफ असम द पीपल स्पीक असमीज यहाँ के लोग असमीज भी बोलते हैं एंड बीहू इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ़ असम एंड दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम गॉट इज स्टूडेंट नाउ त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय बांग्लादेश अब त्रिपुरा की बात करें तो वो तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यहाँ के लोग यूजली स्पीक बांग्ला द मेन क्रॉप्स आर राइस टी एंड जूट वर्ड विथ फॉरेस्ट यहाँ पर ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं और यहाँ का ज़्यादा हिस्सा फॉरेस्ट से ढका हुआ है पीपल मेक ब्यूटीफुल क्राफ्ट ऑफ़ बैम्बू इसीलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर ब्यूटीफुल का क्राफ्ट बनाते हैं बैम्बू की मदद से हैंडलूम वीविंग एंड सैरिकल्चर इज प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली अब यहाँ पर हैंडलूम वीविंग एन सेरिकल्चर यहाँ पर ज्यादा तादेद में प्रैक्टिस किया जाता है अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा एंड चारुलम इज अ पॉपुलर बैम्बू डांस ऑफ त्रिपुरा एंड इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द रिवर गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इन दिस रीजन अब वेस्ट बंगाल से गंगा ही नहीं ब्रह्मपुत्र भी फ्लो करती है द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल फार्मिंग एंड फिशिंग यहाँ के लोग खेती और फिशिंग करते हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रॉप जो उगाए जाते हैं राइस जूट वीट एंड ऑयल सीड्स एंड बीट वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड राइस इन इंडिया द ट्रेडिशनल ड्रेस मैन इज धोती कुर्ता यहाँ की ट्रेडिशनल मैन की बात करें तो धोती कुर्ता है वाइल्ड वुमन बारी राइज एंड फिश इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल अब राइज और फूड क्या है यहाँ का स्टेपल फूड है वेस्ट बंगाल का पीपल आर गुड फॉन्ड ऑफ आर्ट म्यूजिक डांस ड्रामा एंड लिटरेचर द मेन फेस्टिवल ऑफ द पीपल हेयर इज दुर्गा पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा और यहाँ के लोग जो है बांग्ला में बात करते हैं एंड कप कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल now let's talk about Bihar. Bihar is located in the eastern part of India, which is highly produced, populated state. अब, <coughs> Bihar जो है eastern part में है India के, जो कि बहुत ही आबादी वाला राज्य है. The river Ganga flows through the state. यहाँ से नदी गंगा बहती है. Agriculture जो है यहाँ का main occupation है. और यहाँ के लोग जो है wheat राइस शुगर केन मेस पल्सिस उगाते हैं द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट पीपल ग्रो राइस वीट, शुगर केन मेस पल्सिस एक्सेट्रा फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड लीचीज आर ऑल्सो ग्रोन हेयर और जैसे कि हम लोग जानते हैं मैंगो वाली चीज़ यहाँ की बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ उगाई भी जाती है बोध गया वेयर गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट अब बोध गया यहाँ का पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर भी है और एक पिलग्रिमेज भी है मतलब जैसे जहाँ पर हम दर्श दर्शनीय स्थल भी है बिकॉज़ क्योंकि गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट ना ल नालंदा एंड विक्रमशिलािला आर द प्लेसिज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस और नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रम शिला आर द्लेसिज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस ना दशहरा दिवाली छठ एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ बिहार दशहरा दिवाली ही नहीं छठ एंड ईद भी यहाँ के मेन फेस्टिवल हैं बिहार के और यहाँ पर हिंदी एंड उर्दू बोली जाती है एंड पट पटना इज़ द कैपिटल ऑफ़ बिहार एंड इट इट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा ना द स्टेट झारखंड इज अ फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्रीज अब झारखंड जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही फेमस है और आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज एट बोकारो एंड जमशेदपुर आर द फेमस इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ की मेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ है बोकारो एंड जमशेदपुर एंड राँची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड एंड इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश इट इज़ द इट इज़ ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट्स कैपिटल इज लखनऊ एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट एग्रीकल्चर है यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं खेती करते हैं उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया अब उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका शुगर केन का गन्ने का द रिवर गंगा एंड यमुना मीट एट द संगम इन प्रयागराज अब जो रिवर गंगा है और यमुना है दोनों का मिलन यहाँ पर होता है मतलब उसे हम क्या कहते हैं वेयर दे द मीट दैट इज नोन एज संगम और यहाँ पर हर बारह साल में कुंभ मेला लगता है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं कुंभ गंगा एंड यमुना मीट एट द संगम इन प्रयागराज कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी ट्वेल्थ ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर ड्यू हेयर ड्यूरिंग द मेला प्रयागराज वाराणसी आगरा मथुरा लखनऊ जयपुर एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज अब ये जिनकी जितने भी मैंने स्टेट के नाम लिए ये हमारे दर्शनीय ही नहीं इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट है दिस स्टेट इज़ फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स एक्सप्लीसिट वर्क हैंडलूम्स ब्रासवेयर्स फाइन एम्ब्रॉयडरी डेकोरेटि एंड मैनी डे टू डे एक्सेसरीज यहाँ ये जो स्टेट हैं अपने क्राफ्ट हैंडलूम ब्रासवेयर एम्ब्रॉयडरी डेकोरेटिव कई चीज़ों के लिए मशहूर है और यहाँ के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं और जिन्हें ये लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं दे आर ईद होली दशहरा दिवाली एंड क्रिसमस और पीपल यूज टू स्पीक उर्दू एंड हिंदू हिंदी आर द मेन लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ़ दिस स्टेट द यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा हमारी दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सराउंडेड है यानी कि घिरी भी है इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया

जामा मस्जिद रेड फोर्ट कुतुब मीनार राष्ट्रपति भवन आर सिचुएटेड इन दिल्ली और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल नहीं मनाया जाता यहाँ पर हर तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है जैसे कि दुर्गा पूजा गणेश चतुर्थी होली ईद दिवाली दशहरा एवरीथिंग बच्चे इवन छठ छठ इज सेलिब्रेटेड इन लास्केर All the festivals, including national festival, are celebrated with lot pomp and show. Hindi, Urdu, and Punjabi are the main language of this state. Now, let's talk about Haryana. It is very rich in agriculture. This is also rich in agriculture. The only river flows through Haryana is Ghagar. But the irrigation facilities are great here. Yeah, jo river flow hai, That is Ghagar. और जो यहाँ के इंडस्ट्री इरीगेशन फैसिलिटीज़ है ग्रेट है एंड द मिल्क प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई है ज़्यादातर यहाँ के लोग मिल्क प्रोडक्शन करते हैं मैनी लार्ज स्केल एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फाउंड सीमेंट शुगर पेपर कॉटन टेक्सटाइल साइकिल्स टैक्सेस कार इंडस्ट्रीज़ आर सम मेजर इंडस्ट्रीज इन हरियाणा द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़ Bhatkar Lake, Surajkund and Pinjore Gardens are famous tourist spots. These are all tourist spots which are very famous in Now if we talk about Punjab, it is a prosperous state of India. The soil is very fertile here because the rivers Satluj, Bees and Ravi drain the state. The Punjab is an agricultural state. It is also an agricultural state. Here people grow

पंजाब द अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आर लोहरी बैसाखी दिवाली दशहरा है एंड बसंत पंचमी जो यहाँ पर हर्षोल्लास हाँ से मनाए जाते हैं भांगरा एंड गिद्दार द फेमस फॉर डांसेस ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब वॉट इज स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा नाउ वट यू हैव टू डू प्लीज हेयर द वीडियो केयरफुली एंड डू द गिवन असाइनमेंट neatly and on time video अच्छे से सुनिए अच्छे से देखिए अपने chapter को two times पढ़िए उसके बाद ही अपना assignment करना चाहिए अच्छा शुरू कीजिए बच्चे और तब भी अगर आपको कोई problem आती है you can text me most welcome student आप मुझे टेक्स्ट करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं आपके क्वाज़ का टाइम दिया हुआ होता है प्लीज़ आस योर क्वायरीज ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर गिवन असाइनमेंट स्टूडेंट्स All the best!